मेहनत करना बहुत जरूरी है, और वही मेहनत अगर डबल की जाए तो वो रंग जरूर लाती है। आज मेरे पॉडकास्ट में जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इलेक्शन कमीशन मोहम्मद आमीन जी हैं। आज मैं उनसे बात करूंगी उनकी जीवन की उन कठिनाइयों के बारे में जो आई तो सही पर उनके रास्ते में रोड़ा नहीं बनी। उन्होंने डटकर इसका सामना किया और आज इस पोजीशन पर वो बैठे हैं। चलिए बात कर लेते हैं सीधे मोहम्मद आमीन जी से। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया आकांक्षा जी, और आज आपने जो ये टॉपिक उठाया है तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ है, और जो सीखने वाले हैं भविष्य के हमारे जो युवा हैं उनके लिए भी एक अच्छा मैसेज है कि वो किस तरीके से संघर्ष करें और अपनी परिस्थितियों को ऊपर आकर, अपनी परेशानियों से ऊपर आकर, संघर्ष से ऊपर आकर जो चाहते हैं वो भविष्य में बने। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका जो आपने लिया है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं अब रिटायर हो चुका हूँ, 2017 में मैं रिटायर हुआ, और देश में मैंने पहले पढ़ाई की। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी 78 में निकला था, पढ़ने के बाद जब मैं दिल्ली आया तो मैंने कंपटीशन दिए, फिर सर्विसेज में आया, और आने के बाद मैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में डेपुटेशन पे काम करता रहा। मैंने शुरुआत की थी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, उसके बाद फिर मैं आया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में, इसी तरीके से मैं मेरा सफ़र चलता चला गया। फिर दुनिया की जो निगाहों में होता है वो राष्ट्रपति भवन है और राजपथ कहलाता है, राजपथ के जो दोनों तरफ हैं साउथ और नॉर्थ ब्लॉक, उसमें भी मुझे सर्विस करने का मौका मिला। ये हमारी ज़िंदगी ने हमको वहाँ तक पहुँचाया। मैं 93 में नॉर्थ ब्लॉक में था, जहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ होम और फाइनेंस चलती है, लेकिन मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम में था। उसके बाद मैं 2004 में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में रहा एज ए डिप्लोमेट, और वहाँ 2004 से लेकर 2009 तक मैं सक्सेसफुली 5 ईयर जो हम लोग का डिप्लोमेशन पीरियड होता है, मैंने वहाँ नौकरी की। और इसका बड़ा मुझे एहसास था कि मुझे ऊपर तक जाना है, और इलेक्शन कमीशन ने मुझे मौका दिया, चाहे वो लक्षद्वीप हो, वहाँ भी मैं गया। कितना दुर्लभ है वहाँ पहुँचना, इतनी परेशानियों से आदमी पहुँचता है कि मेन लैंड से आइलैंड पे जाना और वहाँ सारी देख रेख करके आना कि इलेक्शन किस तरह कराना है, कैसे होना है, उसका पूरा प्रीव्यू करना, देखना और रिपोर्ट देनी आकर। इसी तरीके से मैं दुर्गम इलाकों में जैसे नागालैंड में भी फेक डिस्ट्रिक्ट में मैं काउंटिंग करा के आया था, क्या टेररिस्ट एरिया है, किस तरीके से वहाँ होते हैं, हमने किस तरह से अपनी जान बचाई और रात तक शाम तक सेफ सेफ्टी से इलेक्शन करा के हम वापस आए। तो ये इतने सालों का जो सफर रहा है आपका जी, उसमें बहुत सारी कठिनाइयां भी आपने देखी होंगी। हाँ, तो इसमें तो कोई दोराय नहीं है, समय समय पर तो कठिनाइयां आती रही है, लेकिन हमने उसका हमेशा दृढ़ता से पालन किया। जैसा कि मैं हॉकी प्लेयर था, तो हॉकी प्लेयर के नाते ये होता है कि मुझे 90 मिनट के अंदर डू और डाई, यानी मुझे किसी तरीके से अपना मैच जीतना होता था, तो मैं राइट इन सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन में खेलता था, और मुझे डिसीजन था कि सेंटर फॉरवर्ड से बुली करने के बाद लेके गोल पोस्ट तक मुझे जाना होता था और उसके हाफ में जाके गोल करके आना होता था। तो ये हमारे इरादे बुलंद रहे, हमने हमेशा स्पोर्ट्स स्पिरिट से काम किया और सच्चे दिल से काम किया। हमने जैसे हमारे नाम का नाम है मोहम्मद अमीन, तो मोहम्मद का मतलब होता है दोस्त और अमीन का मतलब होता है ऑनेस्ट, वो ऑनेस्टी रखी। इसी वजह से मुझे लास्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी सर्विस करने का मौका मिला, और यहाँ भी मैंने बड़ी ईमानदारी से काम किया जो आज आप लोग देखते हैं। और मैं हर चीज़ को हर टीवी चैनल पे इलेक्शन कमीशन की ईमानदारी, इलेक्शन कमीशन का कार्य प्रणाली भी समझाता हूँ, ईवीएम के बारे में बताता हूँ, जो भी टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं मैं बताता हूँ। इससे क्या हमारे युवा भी प्रेरित होते हैं, और उनको ये कहता हूँ और हर चैनल से कहता हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट है जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन की परसेंटेज डे बाय डे बढ़ती जा रही है, दिन पर दिन बढ़ रही है। कभी हमारी पोलिंग होती थी रूरल एरियाज में 30%, 20%, 25%, आज आप देखिए 87, 88, इवन कहीं कहीं तो 90% भी हमारे वोट होते हैं, और ये बहुत बड़ा देश का सौभाग्य है कि हमारी जनता जागरूक हो रही है, हमारे देश के यूथ जागरूक हो रहे हैं, उनको फैसिलिटीज दी जा रही है, और हमारे जो मॉडल पोलिंग स्टेशन से उनका भी प्रदर्शन किया जाता है और लोगों को इंक्रेज किया जाता है। हमारे जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में स्वीप डिपार्टमेंट है, उसका काम ही है लोगों को जागरूक करना, जिंगल करना और ऐड देना पेपर में, न्यूज़पेपर में, सब जगह उत्साहित करना कि हमारे युवा यूथ और हमारे जो एजेड लोग हैं जो घरों से वोट नहीं दे सकते
90 से ऊपर हैं, 75 से ऊपर हैं, तो व्हीलचेयर में नहीं आ सकते, उनके घर हमारी पोलिंग पार्टी इस पर चली जाती है और उनसे पूरा वोट लेके आती है। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। मैं इस बात को धन्यवाद करता हूँ देश को, देशवासियों को और हमारे लोगों को जो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा अमीन जी, इलेक्शन नज़दीक है, आप भी जानते हैं अभी चुनाव आने वाले हैं, और हमेशा क्या होता है कि इलेक्शन के समय में ही ना विपक्ष पार्टियों का ये एक कहते हैं ना कि ब्लेम करना होता है कि ईवीएम मशीन में कुछ ना कुछ घोटाला हुआ है, तो वो भी मैं थोड़ा जानना चाहूंगी। देखिए मैं कहूंगा, आपने देखा अगर होगा आपके चैनल पे मैं बोला था कि जब ममता जी का इलेक्शन हुआ था जी, उस वक्त बहुत वो हू एंड क्राई कर रही थी और ये कह रही थी कि देश के गृह मंत्री इलेक्शन करा रहे हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन करा रहे हैं, लेकिन नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही इलेक्शन कराता है। वो एक सामाजिक संस्था है, वो कभी किसी का फेवर नहीं करती। और तब मैंने इस टीवी चैनल पर कहा था, रिकॉर्डेड है आपके यहाँ चैनल्स पे, मैंने ये कहा था कि और ये एक दो ऑब्जेक्शन लगाए गए थे। एक तो ये लगाए गए थे कि हर स्टेट में यानी केरला में 7 चुनाव हुए और दूसरी जगह स्टेट्स में हुए, मद्रास वगैरह में भी, तो वहाँ पर एक फेज में हुआ, लेकिन उसी के साथ 7 फेजेस में वेस्ट बंगाल में कराए गए थे। तो उसके लिए परिस्थितियाँ होती हैं, उसके कारण होते हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन एक फेज में भी कराता है और कई फेजेस में भी कराता है। उसको मैं ये बताऊँ कि उनकी जो बॉर्डर से, वो बॉर्डर आपके नेपाल से मिलता है और भूटान से मिलता है तो, और बांग्लादेश से मिलता है, 3 स्टेट्स जो आउटर स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं, उनका बॉर्डर मिलता है। वहाँ पे इंक्रोचमेंट बहुत होता है और वहाँ पे उनके लोग गड़बड़ी भी करने आते हैं, जो पाया गया था पहले, फोर्सेस भी लगानी पड़ती है, बड़ा विजिलेंट होकर चुनाव कराना पड़ता है, क्योंकि चुनाव इलेक्शन कमीशन कहते ही है कि हम निष्पक्ष चुनाव कराते हैं, हम किसी का फेवर नहीं करते। और देखिए उससे पहले भी 2 टर्म वो जीती थी, मैंने यही कहा था रिकॉर्डेड, उस वक्त मुझे लगता है कि शायद ममता जी अपने को कमज़ोर समझ रही थी इसलिए वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, लेकिन नहीं, ईमानदारी से इलेक्शन कमीशन ने कराया जैसे पहले कराते थे, और वो 2 इलेक्शन जीती, उसके बाद ही 3रा इलेक्शन भी जीती, बल्कि वो अपना इलेक्शन हार गई थी लेकिन 22 इलेक्शन में फिर वो जीती। तब से उन्होंने बोलना बंद कर दिया। अभी मैं सुनने में आ रहा है कि ये जो अपोजिशन पार्टियां हैं उसमें कई पार्टियों में नाम नहीं लूंगा, वो ये कह रहे हैं कि साहब ये ईवीएम में बेईमानी होती है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, लोगों ने कहा कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बंद हो गई विदेशों में, ठीक है मैं एग्री करता हूँ कि अमेरिका में कई जगह चुनाव नहीं हो रहे हैं अब इस तरीके से, पहले ईवीएम शुरू हुई और बंद की गई। इसका मैं रीजन पब्लिक को ही बताना चाहूंगा, बल्कि आपको ही बताना चाहूंगा कि मेरी क्लियर कट, ये एक हमारी जो मशीन है, ये मशीन हमारी जो है जस्ट लाइक ए कैलकुलेटर है, बैटरी ऑपरेटेड है, इसके अंदर कोई भी हमारा इंटरनेट काम नहीं करता है, तो ये मशीन हमारी हैक नहीं हो सकती है। विदेशों में क्या था कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड थी, उसका रिजल्ट था, इसलिए उनको वो बंद करनी पड़ी मशीन है। हमारा देश जो है पहले रिसर्च करता है, देखता है, समझता है, तब उसको इंट्रोड्यूस करता है। मेरा अपोजिशन पार्टियों ने क्या किया, ये कहा कि साहब ये हम उसमें बिल्कुल ब्लाइंड वोटिंग करते हैं, हमें नहीं पता कि हम वोट कहाँ डाल रहे हैं या वोट हमारा जा कर रहा है, किस पार्टी को जा रहा है, कैसे जा रहा है, कुछ नहीं पता। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने रिसर्च करवाई, करने के बाद आपने देखा होगा कि कुछ वर्षों से वीवीपैट मशीन का साथ में लगा दी जाती है, तो वो क्या करती है वीवीपैट और उसे जो भी चीज़ें की जाती हैं, सारे पार्टी के जो उनके प्रेसिडेंट हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको बुलाता है कमीशन, उनके सामने डेमोन्स्ट्रेट करता है, बताता है, बताने के बाद वो प्रक्रिया लागू की जाती है इलेक्शन के लिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन ऑफ बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई कहीं पर कोई लुकाछुपी नहीं है, और उनकी एग्री करने के बाद ही वो चीज़ें लागू होती हैं। तो अब ये वीवीपैट जब लाएगी तब भी इनको दिखाया गया, और आज आप देखिए कि आपने भी वोट किया होगा तो आपने देखा होगा कि कुछ सेकंड्स के लिए वीवीपैट की पर्ची आपको दिखती है, उसमें क्लियर कट है हर चीज़। और वो दूसरी बात ये भी है कि ये जो हमारी मशीनें थी, इससे पहले आपने देखा होगा बैलेट पेपर हुआ करते थे, तो बैलेट पेपर के लिए हमारे बॉक्सेस होते थे, तो ये जो सील हो जाते हैं काउंटिंग के बाद सील हो जाते हैं, तो ये सिर्फ कोर्ट ही ऑर्डर करती है तभी खुलते हैं, तो क्या है कि ये कोर्ट में चले जाते थे, अब क्या है मशीनें भी हमारी चली जाने लगी, तो हमारी मशीनें कम होने लगी, इसलिए जो वीवीपैट आई है तो हम इसका रोल जो है बैक रोल जो चल रहा होता है उसको हम या पर्चियाँ दोनों रखते हैं, एक तो अपने रिकॉर्ड के लिए रखते हैं, एक हम कोर्ट को भेज देते हैं, इसलिए हमारी मशीनें स्पेयर हो जाती हैं। और आपको ये खुशी होगी जान के कि हमारा इलेक्शन कमीशन जो है दुनिया का बेस्ट कमीशन है और दुनिया का नंबर एक कमीशन है। हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग भी देते हैं दूसरे कंट्रीज के, वो कमिश्नर्स आते हैं, उनके जो ऑफिसर्स होते हैं उनको यहाँ पर दिखाते हैं, पढ़ाते भी हैं। हमारा यहाँ पे द्वारका के अंदर
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट है इलेक्शन कमीशन का, जिसको हम पढ़ाते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं और प्रैक्टिकली चुनाव में इनको ले भी जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे देश में इस टाइम चलता रहता है कोई ना कोई चुनाव, तो वहाँ उनको ले जाके प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि हमारी ये प्रक्रिया है, इस तरह हम इलेक्टर रोल बनाते हैं, इस तरह हम एनरोल करते हैं, इस तरह हम वोटर आई डी कार्ड बनाते हैं, ये हमारा सिस्टम है, हमारा नीट एंड क्लीन सिस्टम है, कहीं कोई लुका छुपी नहीं है, हर चीज़ पारदर्शी है। उसके लिए कोई भी कुछ कहता रहे, उनको तो जो लोग हार रहे होते हैं उनको ये कहने ही कहना है कि वो एम्पायर बेईमान है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, देश की हवा है, अगर आप काम करेंगे देश के लोगों के लिए तो देश आपको जिताएगा और बनाएगा। अगर आप काम नहीं करेंगे, सिर्फ मक्कारी करेंगे और ये दिखाएंगे कि हम काम करते हैं और काम नहीं होगा पब्लिक का, जीरो लेवल पे, ग्राउंड जीरो पे जिस तरह आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं, तो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में आप देखेंगे अगर जनता का काम किया गया है, जनता खुश है, तो जनता उनको वोट देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। अच्छा, मैं जिंदगी के अचीवमेंट की बात करूं तो मैं आपके अचीवमेंट भी जानना चाहती हूं। मैं लाइफ में जो करना चाहता था वो मैंने किया, मैंने आपसे भी बताया कि मैं साउथ और नॉर्थ ब्लॉक में मैंने नौकरी की, तो अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है, और हमें तो प्रेसिडेंट हाउस में एट होम में जाने को मिलता ही था, राष्ट्रपति भवन तो वैसे ही था, आने जाने के लिए हर फंक्शंस में जाते थे, हेड ऑफ द स्टेट्स आते थे तो उस वक्त भी मुझे फोर कोर्ट में जाना पड़ता था वीवीआईपीस के साथ में, तो उनका वेलकम किया, चाहे वो राष्ट्रपति रहे हों हमारे रशिया के, पुतिन साहब का भी मैंने स्वागत किया है, उससे पहले आपके बुश आए थे यहाँ पर कंट्री में, सऊदी के किंग आए थे, तो ऐसा नहीं है, मुझे लाइफ का हर एक्सपीरियंस मिला, बल्कि आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं 22% के साथ सेंट्रल एशिया का मैंने 6 दिन का दौरा किया था, हामिद अंसारी थे उस वक्त, इनके साथ मैं गया था, इससे पहले मैं फॉरेन डेलीगेशन में जाता रहा हूँ, तो मैंने पैलेसेस में खाना खाया, मैंने मतलब दुनिया की हर चीज़, हर तरह के एयरक्राफ्ट, हर तरह के हेलीकॉप्टर बैठा मैं वीवीआईपीज के साथ में, डेलीगेशन जो जाता था हमारा, और मेरी पोस्टिंग भी थी सऊदी अरबिया में लास्ट, तो मैं वहाँ भी रहा, तो मैंने एम्बेसीज के भी मज़े लिए, फॉरेन मिनिस्ट्री का तो ये लिया मैंने, और दुनिया के हर कंट्री का मैंने घूमा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि मैं कोई कंट्री दुनिया का बाकी नहीं है जहाँ मैं नहीं गया हूँ, चाहे वो बर्फ़ का कंट्री रहा हो, चाहे वो गर्मी का रहा हो, डेजर्ट आप देखिए गल्फ कंट्रीज रहे हूँ उनमें गर्मी भी है, आप जाइए सेंट्रल एशिया में तो सर्दी भी है, इधर आप जाइए इंग्लैंड में तो वहाँ माइनस, और अमेरिका में भी, अभी मैं जून में गया था, मुझे अवार्ड दिया गया इंग्लैंड में जी, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लॉर्ड लुम्मा ने मुझे अवार्ड दिया भारत महोत्सव के ऊपर, और अगस्त में मुझे 24 अगस्त को यूनाइटेड नेशन में भी भारत महोत्सव की तरफ से अवार्ड दिया गया, और मैं तो कहूँगा कि ये मेरा एक साइटेशन मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि न्यूयॉर्क सिटी के जो मेयर हैं उन्होंने मुझे साइटेशन दिया है, और इसको मैं क्या कहूँ, अब इससे ज़्यादा लाइफ में हमारे लिए क्या है, और अब मैं आजकल तो अपना रिटायरमेंट के बाद जो है जो भी नॉलेज दे सकता हूँ मैं किसी वर्ग को, मैं हर माध्यम से, टीवी के माध्यम से, प्रेस के माध्यम, प्रिंट मीडिया से, यूजुअल से, या पर्सनली भी, मैं तो चाहता हूँ कि मैं हर देश के लोगों को सिखाऊं, युवा को भी सिखाऊं कि किस तरह से वोटिंग मशीन होती है, मेरा दिली इच्छा है कि मैं सिखाना चाहता हूँ, अगर सीखना चाहें क्या वोटिंग मशीन है, उसको जो दिमाग में उनके भर दिया गया है कि वोटिंग मशीन गलत है, वो मैं 100% डिनाई करता हूँ, 100% कंडेम करता हूँ जो लोग कहते हैं इस बात को, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इलेक्शन साफ सुथरा हमारे ही देश में होता है, चाहे वो समंदर में जा कर लिया जाए आईलैंड्स के अंदर, चाहे वो हिली एरियाज में लिया जाए, और चाहे डिजर्ट पर लिया जाए, चाहे मैदानों में इलेक्शन हो, हमारी पोलिंग पार्टियां जाती हैं, ईमानदारी से वोट करती हैं, करवाती हैं, और लेके अपने बैलेट ये जितने वोट्स हैं उनको लेके आती हैं। अच्छा, ये जो आपके अंदर जज्बा है, ये जज्बा बचपन से था या फिर एक होता है ना हमारा आइडल होता है, या तो हमारे पेरेंट्स होते हैं या हमारे गुरु होते हैं, तो आपका ये जो जज्बा है ये कहाँ से आया आपके अंदर? मैं एक्चुअली क्या है कि शुरू में जब था तो साइंस का स्कॉलर था मैं, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री का, तो मैं देखता था हमारे जो प्रोफेसर थे त्रिपाठी, उन्होंने ये कहा स्टार्टिंग में जब मैं 9th में गया तब थोड़ा समझ में आती है कि हमें क्या स्ट्रीम लेनी है, तो मैंने साइंस लिया था और सोचा था कि डॉक्टर बनेंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद मुझे डॉक्टरों की भी मदद करनी पड़ी, एडमिनिस्ट्रेशन में तो करनी पड़ी लोगों की, और इंजीनियर्स की मदद करनी, तो मैं समझता हूँ कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन में आने का हमारा डिसीजन था इस सभी के फायदे के लिए हुआ, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी, इंजीनियर्स की, जहाँ जो हम मदद कर सकते थे हमने की, हमारा ये हमेशा स्पिरिट रहा ईमानदारी से मदद करो, किसी की मदद करो, और जो इतिहास में पढ़ाया जाता है आर्ट्स स्टूडेंट को, वो हमारे प्रोफेसर कहते थे कि लोग फाइलें लेके आते हैं, एक फाइल घुमाते रहते हैं, और हमें पूरा
पूरा बॉक्स से लेके जाना पड़ता था, पूरी फाइलें लेके जानी पड़ती थी, ड्राइंग शीट से लेके जानी पड़ती थी, फिजियोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री तीनों ही प्रैक्टिकल्स होते हैं। 300 का तो हमारा थ्योरी होती है और 200 का प्रैक्टिकल होता था, प्रैक्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट होता था। तो उसमें हमें करके दिखाना है, ये अगर देखना कि हरी पत्ती का कलर हरा है तो हमें लिखना पड़ेगा शीट में उसको ड्राइंग बना के कि हरा है, इसके बीच में व्हाइट भी पत्तियाँ दिख रही हैं। और अगर हम पानी में डालेंगे कोई चीज़, बोरिक एसिड भी डालेंगे तो उसका कलर व्हाइट होगा, तो हम बताएंगे तो ये पानी का कलर ये है, उसके बाद बोरिक एसिड डालने में ये कलर हुआ, फिर प्रेसिपिटेट हुआ नीचे जमा और उसको फिर हमने बॉयल किया, स्टीम किया, उसके बाद फिर सॉलिड हो गया। तो ये मैं करके दिखाना है, ये नहीं कि अकबर के ज़माने में होता था या अशोका के सामने में होता था, ये हिस्ट्री में कहा जाता है, हमारे तो हर चीज़ प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है। प्रैक्टिकल अगर है तो ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए कि हम स्पोर्ट्स में भी रहे तो 90 मिनट से में हमें करके दिखाना होता था कि हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं। जी, तो ये हमने जीवन में जीतने की बात रखी हमेशा, और ऊपर वाले ने हमको साथ दिया, हम हमेशा जीते ही हैं, हारे कभी नहीं। अमीन जी, आप यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यूथ को ये कहना चाहूंगा कि यूथ जो है सबसे पहले तो पढ़ने से आता है स्कूल में या जब उसकी समझ आ चुकी होती है तो अपने करियर डिसाइड करें, अपने पेरेंट्स से बताए, अपने टीचर से बताए कि हमें क्या बनना है। किसी को डॉक्टर बनना होता है तो बताए स्टार्टिंग में, इंजीनियर बनना है तो वो भी बताए, साइंटिस्ट बनना है तो वो भी बताए, और उस तरफ वो उसके लिए प्रोग्रेस करे। और जो भी गाइडेंस होती है, चाहे वो अपने टीचर से ले, पेरेंट्स से ले या किसी भी जानकार से ले, उसको होना चाहिए जिज्ञासा, इंटरेस्ट होना चाहिए अंदर से कि हमें क्या करना है जीवन में, और वो उसी तरह के लोगों से मिले और मैं समझता हूँ कि उसको होगा। जैसे हॉकी था तो हॉकी में मैंने असलम शेर खान को देखा था खेलते हुए, कि वो ताबीज चूम के गोल मारते थे, वो ओलंपियन थे, आपको तो याद भी नहीं होगा, मैं बात 72 की कर रहा हूँ, ओलंपियन। तो इस तरीके से, और हमारे ध्यान मेजर ध्यानचंद थे, उनको भी है। तो इस तरीके से उनके दो, उनके जो बड़े लड़के थे अशोक कुमार, वो हमारे एयर इंडिया में फ्लाइट पर्सन थे, तो अशोक कुमार तो वो भी अच्छे प्लेयर थे। तो इस तरीके से उन प्लेयर्स को देखना होगा। हमारे यूपी से कई प्लेयर थे, मोहम्मद शाहिद वगैरह थे, वो भी अच्छे प्लेयर थे। तो ऐसा नहीं है, अगर आप उनके साथ उठेंगे बैठेंगे, स्टेडियम में जाएंगे, या फिर अगर मेडिकल है तो मेडिकल स्टूडेंट से बात करिए कि उनका कैसे क्या अचीवमेंट रहा है, कैसे आए वो यहाँ तक। इंजीनियरिंग स्टूडेंट को, इंजीनियर्स को चाहिए वो इंजीनियर वालों से बात करें, तो स्ट्रीम वालों से बात करने से बहुत कुछ नॉलेज मिलती है, उनको भविष्य में आगे जाने की तरक्की करने का रास्ता खुल जाता है। तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, लाइक नेपोलियन, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। अगर आप चाहेंगे तो आप देखिए, आज की डेट में हम सूरज के अंदर जा रहे हैं, जो कहते हैं सूरज की रोशनी जल जाएंगे, चांद में तो जा ही रहे हैं, सूरज में भी एंट्री कर गए हैं। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा अचीवमेंट है, ये हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं, हमारे लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने नासा में भी देखा जाके, पूरा अमेरिका में पूरा विजिट किया मैंने नासा, अपने बच्चों को भी दिखाया मैं, ले गया था, ऐसा नहीं है। तो उनको ये हुआ, हमारे जब बच्चे गए फॉरन हमारे साथ, उनको मैंने पूरा दुनिया घुमा रखा है। जब वो गए तो उन्होंने एक सब, मैं बताता हूँ कि हमारे बच्चे हमारे साथ स्विट्जरलैंड टू फ्रांस ट्रेवल कर रहे थे। तो जब हम आ रहे थे बाई ट्रेन, तो ट्रेन में बैठे हुए, तीन टायर की ट्रेन होती है, थ्री टायर में, तो हम लोग बीच में बैठे हुए थे, तो हमारे आगे जो है कुछ एजेंट लोग बैठे हुए थे, उनमें हस्बैंड वाइफ थे काफ़ी। तो क्या हुआ कि ऊपर से एक बैग गिरा, उनका जो ऊपर बैग होता है सूटकेस गिर गया। तो बड़े मोटे मोटे लोग वहाँ स्विट्जरलैंड के बैठे हुए थे, किसी ने कुछ नहीं की उनकी हेल्प की, बल्कि हमने जाकर उनकी मदद की कि बैग उनका सीधा कर दिया। तो ये हमारे बच्चे तब एक टेंथ किया था, दूसरे टेंथ किया था, तो दोनों ही देख रहे थे कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, बोले डैड ये क्या है, मैंने यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता बेटा, अपने आप सेल्फ मदद करनी पड़ती है। इसी तरह वो चांसलरी में गए लंदन में, तो उन्होंने देखा कि वो ऑफिसर अपने आप चाय बना रहा है और हमको सर्व कर रहा है, फिर अपने अपना कप धो के रखा तो देखा। इस तरह अपने दोस्तों के यहाँ गए तो उनके यहाँ भी खाना खा के हमें प्लेट धो के रखनी पड़ रही थी। तो ये बच्चों ने ऑब्जर्व किया, बोले बात बात कहने लगे कि हम डैड यहाँ नहीं आएंगे, और उन दोनों ने अमेठी से बीटेक किया है, मैकेनिकल इंजीनियर एमबीए किया, दे डोंट वांट टू लीव द कंट्री, वो कहते हैं हम यहीं पढ़ेंगे और इंडिया में ही नौकरी करेंगे, जो आपको इज्जत मिली है या जो आपको प्रोटोकॉल मिलता है, तो वो मुझे वहाँ बाहर देखने को नहीं मिला, चाहे जितना बड़ा ऑफिसर रहो, चाहे जो बड़ा इंडस्ट्रीज रहा हो या जो जितना बड़ा आदमी हो, लेकिन वहाँ पे कोई अपना मन नहीं है जो हमारे देश के अंदर है। मैं इंडिया के लोगों से कहूँगा, इंडिया के यूथ से कहूँगा कि अपने देश में रहिए, अपने देश में मेहनत से काम करिए, आपको जो यहाँ इज्जत मिलेगी दुनिया में कहीं इज्जत मिलने वाली नहीं है। दर्शकों, ये थे हमारे साथ मोहम्मद अमीन जी, जिन्होंने अपनी जिंदगी के स्ट्रगल के बारे में हमें बताया कि अगर आप
कठिन परिश्रम करते हैं ना, तो वो परिश्रम एक ना एक दिन आपको सफलता की ओर जरूर लेकर जाता है। इसलिए परिश्रम करने से कभी पीछे ना हटें। आमीन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे।